आंडामान सागर एवं पार्श्वर्ती दक्षिण पूर्व बंगोपसागर अंचल सृष्टि होता लघुचाप क्षेत्र उत्तर पश्चिम दिगरे गति परवर्ती 48 घंटे घनीभूत हो अवपात परिणत होवार संभावना रही। यार प्रभाव में 10 तारीख में उपकूल ओडिशार विभिन्न जिले में गोटे दुईट स्थान में हालका मध्यम धरणर वर्षा अनुभूत हो पारे एवं गंजाम खोर्धा पुरी एवं जगत सिंहपुर जिलार किछि किछि स्थान रे प्रबल वर्षा हेबा नै पूर्वानुमान करिछि पाणिपाग विज्ञान केन्द्र भुवनेश्वर। तेबे संभाव्य बात्या विषय भारतीय पाणिपाग विज्ञान केन्द्र बा आईएमडी निर्देशक मृत्युंजय महापात्र सूचना दैछन्ति। से कहिछन्ति जे लघुचापटी घनीभूत होइ आसंता काली सुधा अवपात्र रूप नेब। एहा परे आहुरी अधिक घनीभूत होइ 8 तारीख बेळकु बात्यारे परिणत हेबार संभावना रहिछि। एहा परे बात्याटी उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिवार संभावना रहिछि। तेबे एही संभाव्य बात्यार प्रभाव ओडिशा उपरे कोनोसी प्रभाव पकाइब नाही। धीरे धीरे ओडिशा आंध्र प्रदेश उपकूल समुद्र अशांत हेब। 9 तारीख बेळकु समुद्र भितरे पवनर वेग तीव्र हेब। आईएमडी पूर्वानुमान अनुजाई एही समय रे पवनर वेग घंटा प्रति 80 रु 90 किलोमीटर रही पारे। एथिपाय 8 तारीख सुद्धा मत्स्यजीवी को समुद्र रु फेरी आसिबाकु निर्देश दिया जाइछि। तबे संभाव्य बात्याटी केउ उपकूल छुइबो ताहा ए पर्यंत स्पष्ट होइनाई बोली कहिछन्ति आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र। तबे दर्शक बंधु वीडियो को लाइक करंतु इनफॉर्मेशन टी समस्त पाकु शेयर करंतु जा पळे समस्ते अवगत होई परिबे ई बात्या को नै गुजब रे विश्वास करंतु नै जा किछि गवर्नमेंट रो वेबसाइट रे आसुची किंबा न्यूज रे आसुची आपण ताकु विश्वास करंतु ता सहित भयभीत होवंतु नै। वीडियो को लाइक शेयर नुआ नुआ इनफॉर्मेशन जानिबा पई दुर्गाश टीवी रो यूट्यूब चैनल को एबे सब्सक्राइब करंतु।